मरीज पेशेंट को कुरान की तिलावत सुनाकर भी शिफा हासिल की जा सकती है। कुरान को है ना कोई ऐसी मामूली किताब मत समझो, न ही कोई चमत्कारी किताब समझो इसको। कुरान को कुरान समझो और वैसा समझो जैसा अल्लाह उसके रसूल ने समझाया। बस अल्लाह उसके रसूल कहते हैं कि ऐसा होगा, आंख बंद कर लो, अकल बंद कर लो। क्या बंद कर दे? आंख बंद करो और अकल भी बंद करो और सीधा मान लो अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया, बस होगा तो होगा ही। अकल की पैरवी करेंगे, अकल दौड़ाएंगे, कैसे ऐसा कैसा होता? तो बहुत कुछ नहीं होता, फिर बहुत कुछ नहीं होता। कुरान कह रहा है ऐसा होगा तो होगा, अहादीस में ऐसा आया तो आया, मतलब होगा। तो कुरान, अगर मरीज को कुरान की तिलावत सुनाई जाए फायदा होगा, शिफा होगी। दलील देख लेते हैं, सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2063 और सुनन अबू दाऊद में भी है, बहुत सारे हदीस किताबों में, बुखारी में भी है, मुस्लिम में, बहुत सारे हदीस किताबों में 2063। इसलिए बोल रहा कि आजकल कैसा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, स्मार्टफोन ने इंसान को स्मार्ट बना दिया। बहुत सारे कुरान के हदीस के सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर बैठते सॉफ्टवेयर में नंबर डालते हो, हदीस सामने आ जाती। इसलिए आजकल मेरी हवाले करवा ना, पहले सिर्फ अरबी का मतन पढ़ देता था, आजकल हदीस का नंबर भी बयान कर रहा हूँ। तो सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2063 अगर आप उठाएं तो एक जबरदस्त वाक्य मिलता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस का रावी है, वो कहते हैं कि हम कुछ सहाबा के साथ, एक सहाबा का वफद जो है निकला जिहाद के लिए या सफर के लिए कहीं निकला, तो एक बस्ती से उनका गुजर हुआ, तो उन बस्ती वालों से कहा कि भाई हमें मेहमान बना लीजिए। सही हदीस है सुनन तिर्मिजी की, एक भी ज़ईफ नहीं, मौजू नहीं, मनगढ़ंत नहीं, सही हदीस, किसी का चैलेंज नहीं है कि इसको गलत साबित करके बताए। निकले बस्ती वालों से कहा कि भाई हम गुजर रहे हैं, हम आपके मेहमान हैं, क्योंकि उस जमाने में मेहमानों की बड़ी कदर मंजिलत होती थी, यहाँ तक के खिलाया पिलाया जाता था, 3 दिन तक मेहमान समझा जाता था, फिर उसके बाद अपना बनाया जाता था। इतना बड़ा फर्क है ना, अपना बना था, दाल रोटी खाने के लिए बुला लेते थे। तो बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि हम मेहमान नहीं रखते किसी को, यानी कि सहाबा की कोई पास और लिहाज उन्होंने रखा। बहरहाल सहाबा जो है तकरीबन 30 के करीब सहाबा थे, बस्ती के बाहर जाकर रुक गए। इतने में कुछ देर के बाद वहां से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा कि क्या तुम में से कोई रुका करने वाला है, दम करने वाला है, क्योंकि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है। और दूसरी हदीस में आता है कि सांप ने डस लिया है। अलग अलग वाक्य आदमी है, एक ही वाक्य नहीं हुआ ऐसा। और किसी में है कि जो है सरदार जो है बिल्कुल पागल में से हरकतें कर रहा है, उसकी अकल उसकी जगह पर नहीं है, उसका दिमाग उसकी जगह पर नहीं। बहरहाल उसने आकर शिकायत की और कहा कि क्या तुम में से कोई मंत्र करने वाला है, कोई दम करने वाला है। अब मंत्र लफ्ज इस्तेमाल करते लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेचैनी हुई थी, मंत्र बोले तो कोई छूछा नहीं है। मंत्र का तर्जुमा दम से होता, दम का तर्जुमा मंत्र से होता, मंत्र हिंदी लफ्ज है, सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं। ऐसा मैं बोलूं कि भाई वो बहुत बड़े पंडित है, बोलते और पंडित और साधु हिंदू, अरे पंडित मतलब आलिम भाई, जो इल्म रखता। अब हिंदू धर्म का इल्म रखा तो पंडित, वैसे अगर हिंदू क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई ये इस्लाम के बहुत बड़े पंडित है, मतलब क्या हुआ? और आलिम है तो अल्फाज से है ना बिचकने का नहीं, उसका सही तर्जुमा देख लेने का। मंत्र मतलब दम। अब दम क्या है, इंशाल्लाह सारी चीजें बताऊंगा आगे। तो कहा कि क्या तुम्हें कोई दम करने वाला है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उठा और उनके साथ चला, हालांकि मैं कोई दम नहीं जानता था। क्या कहते हैं वो? हालांकि मैं, बहुत लंबी हदीस है इसलिए उसका अभी मतन नहीं रख रहा हूं ताकि सुनने में तसलसल बाकी रहे। तो कहा कि हालांकि मैं कोई मंत्र नहीं जानता था, मैं कोई दम नहीं जानता था, फिर मैं गया, जाने के बाद कहते हैं फ़क़रअतु अलैहि, मैंने पढ़ा उस पर, ये सुनन तिर्मिजी के अल्फाज अरबी मतन के साथ, फ़क़रअतु अलैहि, मैंने उस पर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि सब्अ मर्रात, सूरह फातिहा मैंने 7 मर्तबा उसके ऊपर पढ़ा। कहाँ के अल्फाज है ये? कहाँ के हैं? हदीस के है ना? क्या मैं बोल रहा हूँ अरबी का कुछ तो जुमले बना के, चलो बैठे हुए लोग चला सारा मजा लेंगे इनके, ऐसा लग रहा नहीं। सुनन तिर्मिजी नहीं, ऐसे माहौल में ऐसे टॉपिक जरा ऐसा बोलना पड़ता, नहीं तो लगता अरे कुछ तो भी कर रहे हैं बातों से जरा सा। अरे बातों से कुछ नहीं कर रहे भाई, कुरान के आयतें और अहादीस आपके आगे रख रहे, समझ में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की बात मानोगे, नहीं समझ में आ गया अकल लगाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल का इनकार कर देंगे, हमारा क्या है। फ़क़रअतु अलैहि,
ابو سعید خدری حضرت نے کہتے ہیں کہ میں نے اس پر پڑھا الحمدللہ سبع مرات، الحمدللہ کا سورہ سات مرتبہ پہنے اس پر پڑھا، فبرأ، وہ آزاد ہو گیا، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس سے آزاد ہو گیا. وقبضنا الغنم، غنم یعنی 30 بکریوں کا انہوں نے شرط لگایا، ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا لیکن میں اگر دم کروں تو اس کے بدلے ہم کو کیا دو، کیونکہ مہمان تھے کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں آؤں گا، اس شرط پر کہ میں آؤں تو آپ ہمیں 30 بکریاں دینا یا کچھ بکریاں دینا پہلے. تو 30 بکریوں کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ ہوا. تو گئے، جب انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پڑھنے والے کون؟ صحابی رسول. فرق ہے نا ان کے پڑھنے میں اور دوسروں کے پڑھنے میں، فرق ہے. تو پڑھا، کچھ دیر کے بعد وہ ان کا سردار بہت ہی ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے بکریاں دی تو اس بکریوں کو حاصل کر لیا. اب شک آیا کیونکہ پہلی بار کام ہوا تھا اور سفر میں تھے، دربار رسالت سے کوسوں دور تھے، شک آیا کہ یہ بکریاں حلال ہے یا حرام، یہ بکریاں حلال ہے یا حرام، شک آیا. تو کہا نہیں رکو، ابھی اس بکریوں کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، بھوکے پہ تو کاٹ کے نہیں کھائے گا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو پوچھ نہ لیں. مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پورا ماجرا سنایا اور کہا کہ اللہ رسول ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہوا، میں نے ایسا اور ایسا کیا، میں نے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ اس پر پڑھا تو وہ اچھا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تعجبیہ طور پر، اے ابو سعید تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک دم ہے؟ سوال کیا، معلوم کیا ہوا کہ واقعی دم ہے، تم نے معلوم کر لیا، تم نے عمل کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، واقعی دم ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو جو بکریاں لائے اس میں میرا بھی حصہ لگا لو، وہ حلال ہے کیونکہ نبی حلال میں حصہ لیتے ہیں، حرام میں لیتے ہیں حصہ نہیں لیتے. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے، مریض پر اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو مریض بیمار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، شفا ملتی ہے. دلیل مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ مل رہی ہے نا. سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والے سارے نئے ویڈیوز آپ کو ملے، اور کمنٹ کرنا نہ بھولے.